जय हिंद भाइयों, आप सभी का स्वागत देसी टेक अड्डा में। मेरा नाम है साहिल हुसैन। भाइयों, आज मैं आपको तीन अपडेट के बारे में बताऊंगा, या फिर आप कह सकते हैं टिकटॉक के ऐसे तीन फीचर के बारे में बताऊंगा जो कि हर एक टिकटॉक यूज़र को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर भाइयों आपको मालूम है तब भी आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, और नहीं मालूम है तब भी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी होने वाली है उन लोगों के लिए जो टिकटॉक यूज़ करते हैं। अभी तक आपने मुझे टिकटॉक फॉलो नहीं किया, देसी टेक अड्डा यूज़र नेम में जाके कर लीजिएगा। भाइयों, पहला अपडेट जो है कि अगर आप कोई वीडियो पोस्ट करते होंगे टिकटॉक पर, और अपलोड होने के बाद में जो कमेंट उसके आते होंगे या फिर कोई बेकार कमेंट आया होगा, आप कैसे उसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हाइड कर सकते हैं, या फिर पूरी तरीके से डिलीट कर सकते हैं, या फिर प्राइवेसी ऐसी लगा सकते हैं जिससे आपका वो जो कमेंट करने वाला है उसका कमेंट डिलीट हो जाए। तो आपको कैसे करना है, आपको जाना है सबसे पहले 3 डॉट के ऊपर। 3 डॉट पर जाने के बाद प्राइवेसी एंड सेफ्टी पर जाना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको आना है फ़िल्टर कमेंट के ऊपर। फ़िल्टर कमेंट के ऊपर आपको फ़िल्टर बाय कीवर्ड का ऑप्शन इनेबल कर देना है, ठीक है। इनेबल करने के बाद में भाइयों आपको यहां से ऐड कीवर्ड कर देना है, जैसे कि आपको चाहिए कि आपका जो है हेलो बार बार कोई ना लिखे आपके कमेंट के ऊपर, तो आपको हेलो यहां पर टाइप कर देना है। इससे क्या होगा, जब भी कोई बंदा आएगा आपके टिकटॉक वीडियो देखेगा और हेलो टाइप करेगा तो वो टाइप वहाँ से होगा ही नहीं, अगर होगा तो डिलीट हो जाएगा अपने आप। इससे ये फ़ायदा है। दूसरा, ऐड कीवर्ड आप करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी वीडियो में कोई मेंटल बोल रहा है बार बार, तो उसे आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऐड कीवर्ड करके आप मेंटल लिख दीजिएगा। फिर ऐड कीवर्ड करके कोई और कमेंट को आप करना चाहते हैं, जैसे कि कोई हाय लिखता है तो आप हाय करके उसको डिलीट करवा सकते हैं, वहाँ से अपने आप डिलीट हो जाएगा कमेंट। फिर ऐड कीवर्ड करके कोई और आपका कमेंट है जो कि बार बार आपको डिस्टर्ब करता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे ही ऐड कीवर्ड कर करके आप आराम से काफ़ी सारे कीवर्ड यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो जो भी बंदा आपके में गलत कमेंट कर रहा है उसका कमेंट डिलीट हो जाएगा। इसमें 30 करेक्टर आ रहा है, 30 करेक्टर से ज़्यादा आप वर्ड एक में मत लिखिएगा, ठीक है भाइयों। अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर दीजिएगा, और डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली आप डिसेबल कर सकते हैं। दूसरे अपडेट के बारे में आपको बता देता हूँ भाइयों, वो आया लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है भाइयों। जब भी आप टिकटॉक पर जाते होंगे लैंग्वेज का ऑप्शन देखते होंगे, तो आपको दो प्रकार की लैंग्वेज दिखती होगी, एक ऐप लैंग्वेज, एक है कंटेंट लैंग्वेज। ऐप लैंग्वेज का मतलब ये होता है भाइयों, जैसे कि आप ये ऐप देख रहे हैं अभी, मैं दिखा देता हूँ, तो भाइयों ये ऐप लैंग्वेज है, ठीक है, जो आपको इंग्लिश में आ रहा है ये सब पूरा, जो फॉलोइंग, फॉर यू, इनबॉक्स, डिस्कवर, मी का ऑप्शन, ये सब जो ऐप लैंग्वेज आ रहा है वो जो इंग्लिश में आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश होता है। अगर आप इसको चेंज कर देते हैं, मैं अभी चेंज करके दिखाता हूँ लैंग्वेज के ऑप्शन पे जाके, अगर यहाँ से आप हिंदी कर देते हैं तो ये पूरा हिंदी में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ से डन कर दीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरा एकदम हिंदी में हो गया है। तो एक अपडेट ये है, और एक अपडेट और आया है लैंग्वेज से रिलेटेड भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको अपना इंग्लिश कर दिया है क्योंकि मुझे इंग्लिश में ही ज़रूरत पड़ती है टिकटॉक ऐप की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाइयों, कोई और ऐड करना चाहते हैं आप लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी कर सकते हैं, कंटेंट लैंग्वेज का, फिर ऐड लैंग्वेज करके मराठी कर सकते हैं, बंगाली कर सकते हैं, आपकी जो भाषा है संस्कृत कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके डन करते हुए चले जाइए, ठीक है, अपनी भाषा कोई भी आप गुजराती ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद डन करते चले जाइए। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो डिलीट का ऑप्शन पर प्रेस करिए और रिमूव कर दीजिए, ठीक है भाइयों। ऐसे करके आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अब भाइयों बात कर लेते हैं तीसरे अपडेट के बारे में, वो है एनालिटिक्स का अपडेट। अगर आपके में एनालिटिक्स शो नहीं होता भाइयों, इसका मतलब है कि आपका जो है प्रो अकाउंट में नहीं है अकाउंट, ठीक है, तो आपको प्रो अकाउंट में कर लेना है। प्रो अकाउंट में कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, आपको जाना है मैनेज माई अकाउंट में, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा नीचे स्विच बैक टू पर्सनल अकाउंट। अगर आपको प्रो अकाउंट में करना है तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा स्विच बैक टू प्रो अकाउंट, ठीक है, आप यहाँ पे टैप कर दीजिएगा। टैप करने के बाद में एनालिटिक्स पे जाइएगा, और जाने के बाद में आप देख पाएंगे आपके वीडियो का, आपके अकाउंट का लास्ट 7 डेज़ का और 28 डेज़ का सारा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मेरे में देखने को मिल रहा है। वीडियो पे व्यूज़ कितने आए लास्ट 7 डेज़ में, 1804 यहाँ पे दिख रहा है। 28 डेज़ में कितने आए, ठीक है, आप 28 डेज पे प्रेस करेंगे तो 15829। फॉलोअर्स कितने आए 7 दिन में, 8066। 28 दिन में कैसे कितने आए, वही आए उतने। प्रोफाइल व्यूज़ कितने आए 24। 28 डेज में कितने आए, ये आपको देखने को मिल जाएगा, लास्ट एक महीने का भी और लास्ट एक हफ्ते का भी। कंटेंट आप कौन कौन सा अपलोड कर रहे हैं ये भी आपको देखने को मिल जाएगा।
फॉलोअर्स आप कौन कौन सा कर रहे हैं ये भी आपको देखने को मिल जाएगा भाइयों इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ 3-4 अपडेट आए थे, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है भाइयों, नहीं मालूम है तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो भाइयों मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया देसी टेक अड्डा यूजर नेम में जाके फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया नीचे दिए गए लाल कलर के सा बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सारी वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल जाए। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।